जब नाम ही हो प्रॉफिट ट्रक। सो प्रॉफिट ट्रक महिंद्रा ने इसे दिया सीएनजी प्लस पेट्रोल के साथ। क्या इसकी खासियत है, कीमत कितनी है, क्या उस कीमत को यह जस्टिफाई करता है, क्या इसकी लोड कैपेसिटी है और क्या इसकी रेंज है, सारी बातें करेंगे इसी वीडियो में। मैं हूं आपका होस्ट अमित और आप देख रहे हैं आस्क कार गुरु, जहां मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं एक वॉक अराउंड महिंद्रा सुप्रो प्रॉफिट ट्रक का, जो कि सीएनजी में मौजूद है। अगर आप सामने ध्यान रखेंगे तो आपको बड़ा सा ग्लास एरिया मिल रहा है, जिससे बाहर देखने में आपको सहूलियत मिलेगी। दो वाइपर मिल रहे हैं आपकी ज़रूरतों के लिए। यहाँ पर आपको हैलोजन बड़ा सा हेडलैम्प यूनिट मिल रहा है। नीचे फॉग लैम्प की जगह हालांकि इस पर रिफ्लेक्टर लगा हुआ है। साइड में आपको इंडिकेटर मिल जाते हैं। फ्रंट की डिज़ाइन जो है वह काफ़ी कुछ बोलेरो से मैच करते वाले टीथ यहाँ पर मौजूद है। ओवरऑल देखने में काफ़ी अच्छा है यह ट्रक। साइड प्रोफाइल की बात की जाए तो ओ आर वी एम रीजनेबल साइज़ का है। ग्लास एरिया भी काफ़ी है और डोर भी काफ़ी वाइड ओपन हो जाता है, यानी भीतर जाने उतरने में कोई दिक्कत नहीं। नीचे आपको मिलते हैं 12 इंच के स्टील व्हील्स 145 टायर प्रोफाइल के साथ। हालांकि ये डोर लॉकेबल है और डोर हैंडल थोड़ा फैंसी है। यहाँ पे आपको इंडिकेटर्स मिलते हैं। लोडिंग बे की बात की जाए तो यह 7.5 फीट लंबा है और नीचे आपको यहाँ पर बैटरी केस, इधर आपको पेट्रोल फिल करने की जगह दे रखी गई है। इस जगह पर आप बॉक्स बना के इसे लॉकेबल भी बना सकते हैं अपनी ज़रूरत के अनुसार। नीचे आप देखें तो यहाँ पर आपको चेसी दिख जाती है। आगे पीछे दोनों साइड आपको कमानी मिलते हैं ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा वजन इस पर कैरी कर सकें। रेयर की बात की जाए तो यहाँ पर आपको सीएनजी की बैजिंग मिलती है, महिंद्रा की बैजिंग। इधर आपको रेयर लैंप मिल जाते हैं। यहाँ पर आपको पार्किंग सेंसर्स दे रखे गए हैं ताकि आपको पीछे लगाते समय कोई दुर्घटना होने का खतरा ना रहे। लोडिंग बे काफ़ी इजी है, कम्प्लीटली फ्लैट है और मजबूत चेसी के साथ बना हुआ है, जिस पर आप आसानी से 750 किलोग्राम का लोड कैरी कर सकते हैं। ओवरऑल जगह भी अच्छी है, बेयरिंग कैपेसिटी भी इसके साथ काफ़ी अच्छी मिल रही है। इस साइड आपको मिल जाता है सीएनजी फिल कराने की जगह, जिसे आप आसानी से सीएनजी यहाँ पर फिल करा सकते हैं और इसको भी आप लॉक कर सकते हैं ताकि कोई छेड़खानी ना करे इसके साथ में। यहाँ पर आपको टैंक की बात आए फ्यूल कैपेसिटी की, तो 5 लीटर पेट्रोल आप इसमें रिजर्व के तौर पर रख सकते हैं, जो इमरजेंसी में आपकी हेल्प करेगा। इसके अलावा आपको दो यहाँ पर टैंक मिलते हैं, एक 30 लीटर और दूसरा है 45 लीटर का सीएनजी टैंक, जिनमें आसानी से लगभग अगर 1200 PSI की आपको प्रेशर मिल जाता है तो आप लगभग 12 kg आराम से सीएनजी फिल कर सकते हैं। और दोनों पेट्रोल और सीएनजी मिलाकर कंपनी क्लेम्ड जो रेंज है वह है 325 किलोमीटर्स की, यानी ऑलमोस्ट आप 250 किलोमीटर्स की एश्योर्ड रेंज पा सकते हैं इसके साथ में। इस साइड भी कमानी दे रखी गई है और चेसी जो है वो काफ़ी मजबूत, यानी लोड के हिसाब से ही डिजाइन किया हुआ यह सुप्रो प्रॉफिट ट्रक है। इंजन की बात की जाए तो आपको 900 cc का 2 सिलेंडर पेट्रोल प्लस सीएनजी फ्यूल के साथ रेडी इंजन मिलता है। कंपनी क्लेम है कि लगभग 23 किलोमीटर पर किलोग्राम इसकी रेंज है और उस हिसाब से मैं कहूँगा कि काफ़ी अच्छी आपको रेंज मिल जाती है इसके साथ में। अब बात किया जाए कि भीतर बे कैसा है, तो आइए आपको वो भी दिखाता हूँ। इंपॉर्टेंट चीज़ों में लगभग 27 हॉर्स पावर आपको पावर मिलती है 60 Nm टॉर्क के साथ। और चलाने की बात आएगी तो मैं कहूँगा यहाँ पर बैठ के जो पोजीशन है वह काफ़ी अच्छी है, स्ट्रेट आप बैठ सकते हैं और विजिबिलिटी भी काफ़ी अच्छी है। इधर से आप काफ़ी नीचे तक देख सकते हैं, यहाँ से भी काफ़ी पास का व्यू आसानी से आ जाता है। दूसरा, स्टीयरिंग व्हील जो है थोड़ा सा फ्लैट साइड पे है, यानी जिस तरह से ट्रक चलाते समय आपको ज़रूरत पड़ती है बिल्कुल वैसा है। यहाँ पर आपको मिलता है एक पेट्रोल के लिए मीटर, जिसमें यह पता चलता है कि कितना फ्यूल है, लेकिन एक्चुअल में क्या है कि इसमें रिजर्व आने के बाद ही आपको सही इन्फॉर्मेशन मिलती है, जबकि सीएनजी की इन्फॉर्मेशन आपको इस साइड दे रखी गई है। यहाँ पर आपको मिलता है स्पीडोमीटर, जिसकी टॉप स्पीड एक्चुअल में 70 किलोमीटर पर आवर की है। फील अच्छा है, बीच में हॉर्न दे रखा गया है। यहाँ पर प्लास्टिक क्वालिटी अच्छी है इस तरह के सेगमेंट वाइज, बस मुझे एक यहाँ पर कोई ब्लोअर की कमी थोड़ा खल रही है, लेकिन 12 वोल्ट सॉकेट मिलता है जिस पे आप ब्लोअर वगैरह लगा सकते हैं। यहाँ पर म्यूजिक सिस्टम आप चाहे तो अपनी ज़रूरत के अनुसार लगा सकते हैं। नीचे आपको एक्सेलेटर, ब्रेक और इधर क्लच मिल जाता है। क्लच बिल्कुल सही जगह पोजीशन है और इसका प्रेशर फील भी काफ़ी अच्छा है एक कॉमर्शियल व्हीकल के हिसाब से। एक्सेलेटर और ब्रेक के बीच में रीजनेबल डिस्टेंस की थोड़ी प्रॉब्लम है, थोड़ा सा ज़्यादा डिस्टेंस होता तो ज़्यादा बेहतर रहता, क्योंकि
अधिकतर ट्रक ड्राइवर्स चप्पल या ऐसे जूते पहन के चलाते हैं जिसमें कि फंसने का थोड़ा सा इसके यहाँ पर हम नोटिस कर रहे हैं। बाकी मुझे कोई शिकायत नहीं है, सीटें काफ़ी अच्छी हैं, थोड़ा सा बिल्कुल स्ट्रेट बैठ के आपको ड्राइव करना पड़ेगा, कोजी बैठ के आप ड्राइव नहीं कर सकते। यहाँ पर चूंकि यह डी प्लस वन कैटेगरी में आता है इसीलिए यहाँ पर आपको एक सीट बेल्ट भी दी जाती है, लेकिन जगह इतनी है कि इमरजेंसी में आप दो लोग भी बैठ सकते हैं। ओवरऑल फील काफ़ी अच्छा है क्योंकि रूफ लाइनिंग जो है वो मोल्डेड दे रखी गई है जिसकी वजह से इसका लुक फील अच्छा है। ऊपर से पड़ने वाली गर्मी भी कुछ कम लगेगी। यहाँ पर आपको IRVM, एक केबिन लाइट भी यहाँ पर मौजूद है और इधर आपको केबिन पीछे देखने के लिए भी मौजूद है ग्लास, जिसे आप खोल भी सकते हैं अपनी ज़रूरत के अनुसार पीछे बात करने के लिए। और मेरे हिसाब से जगह यहाँ काफ़ी अच्छी है, हैंडब्रेक की पोजीशन बहुत अच्छी है और ड्राइव करते समय जो इसका गियर लीवर है इसे आप 4 फॉरवर्ड और 1 रिवर्स यूज कर सकते हैं, यानी कि 4 गियर इसमें मौजूद है। अब बात किया जाए इसके बारे में, कंपनी का जो क्लेम है वह है लगभग 325 किलोमीटर की रेंज का। मेरे हिसाब से यह फिगर्स तो काफ़ी बड़ी है और जिसके लिए बार बार आपको CNG पंप तक नहीं जाना पड़ेगा, लेकिन क्या प्रैक्टिकली इतनी रेंज आती है यह तो रिव्यू में ही पता चलेगा। मुझे उम्मीद है कि शायद यह लगभग 250 की रेंज दे सकती है अगर दोनों टैंक इसके पूरी तरह फुल हो 200 PSI के प्रेशर के साथ में, और साथ ही पेट्रोल भी इसमें पूरा हो, तो ये आप दोनों मिलाकर आप लगभग 250 की रेंज आसानी से पा सकते हैं फुल लोड के साथ। कीमत है इसकी 6,32,000 रुपीज़, यह इंट्रोडक्टरी प्राइस है। इस मार्केट में इसका कंपटीशन भारतीय बाजार में सुपर कैरी के साथ किया जाता है जो कि मारुति सुजुकी का प्रोडक्ट है और उसे काफ़ी एक्सेप्टेंस भी मिली हुई है कॉमर्शियली लॉजिस्टिक मार्केट के थ्रू, जबकि यह कंपनी का प्लान है कि इंडिविजुअल प्रॉफिट ट्रक जैसा कि इसका नाम दिया गया है उस हिसाब से इसे डिज़ाइन भी किया गया है, यानी कि आप खुद ज़्यादा कमाएं ना कि कॉरपोरेट कल्चर के लिए इसे तय किया गया है। मेरे हिसाब से प्राइसिंग काफ़ी अच्छी है, आपकी क्या ओपिनियन है लिखिएगा नीचे कमेंट सेक्शन में। और हाँ, वीडियो पसंद आया भाई मेहनत की है तो लाइक करने में संकोच मत कीजिए, और नहीं पसंद आया तो डिसलाइक करने में भी कोई संकोच मत करना, वो भी उतने ईमानदारी के साथ। फेसबुक पे देखा है तो मेरे पेज को लाइक कीजिए, फॉलो करना ना भूलिए। यूट्यूब पे है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बगल में दी हुई नोटिफिकेशन बेल दबाना ना भूलिएगा। मुलाकात होगी ऐसे ही किसी शानदार प्रोडक्ट के साथ, देखते रहिए आस कार गुरु।